ये मौलाना साहब की गाड़ी निकली है, ये मौलाना साहब है और इनकी है। ये देखिए, मैंने कब कायदे खड़े रहो ऊपर वो ऊपर वाला सीन। अलाउ नहीं है यार, इधर दे। कर लो बात शाद भाई। यार मैं इन लोगों को कह रहा हूँ बात शाद कर लो। पहले ये कह रहे थे हमारी वीडियो बना दे, हम गपशप करेंगे। अब मैं वीडियो बनाने लग गया, आराम से खड़े हैं ये। ये मौलाना साहब की गाड़ी निकली है, ये मौलाना साहब है और इनकी। ये देखिए, ये देखिए, मुबारक हो मौलाना साहब। ये हाफिज साहब की गाड़ी निकली है इधर फ्री में। कितनी शॉपिंग की थी हाफिज साहब ने? 7,500 की शॉपिंग करने के बाद गाड़ी निकलाई है। यार कैसे कैसे दोस्त है मेरे यहाँ पे, देखो ना। मौलाना साहब आपने कितनी शॉपिंग की थी कि आपकी गाड़ी निकली है? 7,500 की, 750 होगी। अब कोई बिलिंग शिलिंग करते हैं हमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं गाड़ी के। अब हम गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने जा रहे हैं। मौलाना साहब आपके पास आईडी कार्ड है ना? आईडी कार्ड है? अब हम जा रहे हैं इनके ऑफिस, गाड़ी के कागजात वगैरह थोड़े जमा करवाने हैं कुछ, उसके बाद गाड़ी लेके चले जाएंगे। गाड़ी आ गई है। कौन सी गाड़ी थी ये? जा रहे हैं पिज़्ज़ा खाने। मौलान साहब पहले वाली वीडियो नहीं बन रही थी तो आप पिज़्ज़ा आप बनाएंगे हमें? हर कुर्सी बना। क्या कोई ना कोई होया हुआ है। राना साहब की गाड़ी निकली थी, उन्होंने कहा हम पिज़्ज़ा खिलाएंगे, पिज़्ज़ा खाने आए हैं, पिज़्ज़ा यहाँ से मिल नहीं रहा। मेरा एटीएम हैक हो गया है तो SBL की एप्लीकेशन भी नहीं चल रही, तो राना साहब ने फिर इजी पैसा किया है। यार कैसा लग रहा है राना साहब आपके पैसे देकर? नहीं, आपको बिल पे करके अच्छा लग रहा है? अभी मैं खा के बताता हूँ। ये कौन सा पिज़्ज़ा है यार? ये मटन राइस है, ये मटन पुलाव, अफगानी पुलाव खा रहे हैं। यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने आए थे हजरत साहब के साथ, लेकिन आप लोगों को पता है उम्र का तकाज़ा है, नहीं पसंद पिज़्ज़ा, इनको हजम ही नहीं होता। मैं भी आजकल थोड़ा डाइट शाइट कर रहा हूँ तो मैंने भी कहा चलो यार ठीक है। वैसे तो मैं चावल भी नहीं खाता, फ्री के हैं तो खाने पड़ेंगे ना। प्रैंक हुआ है हाफिज साहब के साथ बिल देते हुए। ये देखिए राणा साहब किधर जा रहे हो? ये देखो ना, मौलाना साहब के आने के साथ आने का ना ये फ़ायदा होता है, एक तो बंदा तमीज़ के दायरे में रहता है। पहले आके मुझे कहा है कि असर की नमाज पढ़ो और अब कहा है कि मगरिब की नमाज भी पढ़ो। ये देखो ये सारी वीडियो मुझे सेंड कर दिया। ठीक है माशाल्लाह।
माशाल्लाह दो टाइम की नमाज पढ़ के और खाना शाना खा के गाड़ी ले के अब जा रहे हैं वापस। गाड़ी बाद में लेने आएंगे। देखें अब शॉपिंग भी की है, अभी बाहर जाके दिखाते हैं क्या शॉपिंग की है। राणा साहब अब कहाँ जाना है? जे डॉट पे यार, अब जे डॉट पे टाइम नहीं है। आपने वहाँ से परफ्यूम लेना है? देखते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मेरी HBL की ऐप नहीं चल रही। मेरी HBL की ऐप नहीं चल रही है यार। शॉपिंग की थी हमने, पे नहीं किया था, अब एरर आ गई एकदम से, मैं क्या करूं। अब यहाँ पे ये जो पैकेजिंग माल है ना, इसके एक साइड पे करके ये एक कोने में कह सकते हैं कि जे डॉट है। जे डॉट का मतलब क्या है मौलाना साहब? जुनेद जमशेद, जे से जुनेद, जे से जमशेद लिखा। यहाँ से मौलाना साहब अब हमें तीनों का परफ्यूम लाएंगे, इजी पैसा करेंगे। वीडियो आ सकती है वो सामने, देखो उधर, देखो उधर। अच्छा, ओए ओए मौलाना साहब बहुत प्यारी लग रही है, लक्स पह रहा है, लक्स पड़ रहा है, लक्स। मौलाना साहब आप दूसरी शादी की तैयारियां करें। ये मौलाना साहब बहुत अच्छी लग रही है। मौलाना साहब ने दो तीन फोड़ लिए है। ट्रॉफियाँ कितनी ली है क्या यार, इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अच्छा अब हुई है। अब आज का दिन कैसा रहा मौलाना साहब? बेहतरीन दिन रहा है माशाल्लाह, दो नमाज़ें पढ़ी हैं, पिज़्ज़ा खाया है, अले पूरी नहीं हुई, और साथ में क्या खाए थे, कौन से चावल थे? ये अफगानी पुलाव खाया है, दो तीन ड्रिंक्स ली हैं, और उसके बाद आप मौलाना साहब की गाड़ी निकली है, मुबारकबाद पेश करते हैं मौलाना साहब की इंतहा। यार कमाल। अब ये गेटअप लेके हम आए हैं, ये देखे ना मौलाना साहब भी हैं एक, और ये मौलाना साहब के पुराने दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ हिफ्ज़ किया था। अब हम जा रहे हैं, हमारा गेटअप यही होता है, जब भी मैं आता हूँ ऐसे ही आता हूँ, ट्रोज़र शर्ट पहन के आ जाता हूँ, मोड आगे शो नहीं करवाता ना, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फिर पता है आप लोगों को ज़माना जो है वो ज़्यादा चल रहा है, ख़राब कर रहा है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा अपने आप को ना कवर करके रखता हूँ। वैसे भी अल्लाह ताला का शुक्र है, पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी तरबियत की है, फिर जो दोस्त हजरात होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं माशाल्लाह, कोई चांस ही नहीं है, अभी बस चांस है, कोई चांस नहीं है आगे तक जाने का, लेकिन अब शादी के चांस है, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ आज का व्लॉग हम खत्म करते हैं, तो कैसा रहा मौलाना साहब आपका दिन हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा रहा, बहुत प्यारे अच्छे दोस्त मिले, एक और नया दोस्त मिल गया, अल्लाह पाक इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए, ठीक है, और इनकी जल्दी शादी। आमीन आमीन, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये दिन ना बहुत जल्दी आने वाला है इंशाल्लाह, और हम ज़रूर इनकी शादी में आएंगे, बलीमा शलीमा खाएंगे, बुलाएंगे, बहुत मुश्किल बात है। मौलाना साहब आप मेरे बलीमे पे जाएंगे? बरात भी तो मैं नहीं बुलाने वाला, बलीमे पे बुला ले। जी मौलाना साहब आप मेरी शादी पे आएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आप बुलाएंगे मेहमान। यार मौलाना साहब आप एक बात बताओ, जब आपकी शादी हुई थी आपने मुझे बुलाया था? असद मलिक तोहफा दे कर गया था हमें। नहीं बस मैं घर गया हुआ था, ये पिछली गर्मियों की बात है, तोहफा था हमारे हवाले करके गया था। असद मलिक जब भी मिलता है मैं उसको कहता हूँ बेहतरीन तोहफा तूने दिया था, हमने अभी तक संभाला हुआ है उसे। ये देखे ना अब ये दो मौलाना साहब हैं और दोनों की माशाल्लाह शादी हुई हुई है, दोनों ने मुझे नहीं बुलाया, अब ये ख्वाहिश रखते हैं कि मैं इन्हें बुलाऊँ, ये पॉसिबल हो सकता है? यार
ऐसा नहीं हो, हमारे लिए दुआ करें, हमारी हो गई खुशी से, मेरे लिए दुआ करें अगर मेरी दूसरी शादी हो तो मैं इंशाल्लाह आपको फ्रंट सीट पे बिठा दूँ। ये वीडियो आगे तक जाएगी, ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, हमारी पहली भाभी को पता चलना चाहिए कि मौलाना साहब शायद ही ख्वाहिशमंद है। आप अभी भी तोबा कर सकते हैं, यार उनको छोड़ दो यार, ये मखलूक से हमारा लेना देना नहीं है। आप देखो ना, हम देखो ना, अगर हमारा मखलूक से लेना देना होता हम इस गेटअप में आते, ठीक है ना? और तू किस गेटअप में यार? आप अभी राणा साहब, मैं कॉलेज जाता हूँ कैसे जाता हूँ यार, आपको पता है? आप ऐसे तो नहीं कह सकते ना, मैं ड्रोजे पहन के जाता हूँ। वो तो भुगता है इन्होंने, जब मेरी एप्लीकेशन खराब हुई ना HPL की, उसके उसी टाइम ये सारा काम सिस्टम सीधा हो गया था। अच्छा, ये तो मैंने बताया ही नहीं शॉपिंग क्या की है। शॉपिंग हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत प्यारे शूज़ लिए ठीक है, और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, 77 लाख, सॉरी।